మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వైభవ్ అడ్వాన్స్ లెర్నింగ్. టుడే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन. हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, सोर्स कन्वर्जन क्या होता है, इन सारी बातों को पहले जानना ज़रूरी है. जब इन सब बातों पर हम मंथन कर लेंगे तब हम आपको सर्किट जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने हम लाएंगे. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम जो है करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द करेंट डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज करेंट डिस्ट्रीब्यूशन? करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ला, यू कैन से. हमें जो है आज करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़ना है. ठीक है, मतलब परिपथ में सर्किट में करेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सोर्स है, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करेंट सोर्स हो. यहाँ पे मान लीजिए रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, R2 है. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है, तो कितना अमाउंट करंट R1 में फ्लो होगी, कितना अमाउंट करंट R2 में फ्लो होगी, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है. ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पर हम नहीं चलेंगे, पहले इसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं कि वो फार्मूला आता क्या है, फिर फार्मूला क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखिए यहाँ वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स, हम सीधा सा थोड़ा सा आज हम वोल्टेज सोर्स के बारे में बता देते हैं. देखिए जो सर्किट को वोल्टता प्रोवाइड करता है वो वोल्टेज सोर्स होता है, जैसे आपकी बैटरी हो गई. और जो सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है वो करंट सोर्स होता है, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, बायस्ड ट्रांजिस्टर हो गया, जीनर डायोड हो गया. ये सब सर्किट को करंट प्रोवाइड करते हैं, ये सब करंट सोर्स हैं. ठीक है, तो हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं. यहाँ हम केवल आपको बता रहे हैं करेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पे आई आई हुई है, ये किस प्रकार से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट टुडे. तो हमें इसके बारे में आज स्टडी करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे. देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि आई वन करेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. कितना करेंट फ्लो हो रहा है, आई वन करेंट फ्लो हो रहा है. यहाँ आई टू मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं. तो यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगर इसके क्रॉस निकाला जाए, मतलब इस सोर्स के क्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाला जाए, यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप देखिए कैसे निकलेगा. इसको थोड़े समय के लिए हटा देते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और टोटल रेसिस्टेंस आर वन और आर टू है, और ये पैरेलल क्या है, कनेक्ट है. अगर यहाँ से हम टोटल रेसिस्टेंस निकालना चाहें तो वन अपन आर टी बराबर क्या होगा, आर वन अपन वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू. तो यहाँ से आप टोटल रेसिस्टेंस वन अपन आर टू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आर वन प्लस आर टू अपन आर वन इंटू आर टू, यू कैन राइट इजीली हियर. देन अगर इसी प्रोकल हम इनका करें, उल्टा करें, तो आर टी बराबर क्या होगा आपका, आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू. यहाँ तक इजीली आपने समझ लिया ना. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल करंट I फ्लो हो रहा है और टोटल इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RT है. तो हम टोटल वोल्टेज हम निकालें सर्किट का तो क्या मिलेगा हमें, I इंटू RT मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए. करंट I फ्लो हो रही है, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, RT है. तो टोटल वोल्टेज अगर देखें तो कितना होगा, I इंटू RT होगा. आ यही वोल्टेज इसके भी बराबर होगा और यही वोल्टेज इसके भी बराबर होगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट हैं तो सारे वोल्टेज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो अगर हम इनके क्रॉस वोल्टेज निकालें तो क्या होगा, आई वन इंटू आर वन होगा. होगा कि नहीं होगा बताइए इजीली. तो यहाँ से अब आर टी की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, आर वन इंटू आर टू अपान आर वन प्लस आर टू. यहाँ क्या होगा, आई वन इंटू आर वन. ठीक है, तो यहाँ आप देखिए
R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर I1 अगर आपको निकालना है तो क्या मिला आपको, R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I, ये आपका I1 हो गया। क्या हो गया ये आपका, ये आपका I1 हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, I1 का ये फार्मूला बन गया कि अगर मान लीजिए कि अगर ये 10 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम है, यहाँ मान लीजिए ये आपका, इसको आप मान लीजिए कि ये भी 10 ओम है, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट। अब कितना करंट इस 5 ओम में फ्लो हो रहा है कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, तो देखिए जिसमें आपको निकालना है, इसमें निकालना है ना I1 निकालना है आपको ना, तो जिसमें आपको निकालना है उसके विपरीत वाला रेसिस्टेंस ऊपर रखेंगे, यानी कि 10 ओम को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और फिर इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 5 प्लस 10, ठीक है, और उसके बाद टोटल करंट कितना है 10 है ना, 10 का है मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 100/15। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 6.66 एम्पियर। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि बहुत इजीली इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट इस फार्मूले से हमको मिल गई। आपको केवल इतना फार्मूला याद रखना है, तरीका कैसे यूज करेंगे, जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले रेसिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, दोनों का एड नीचे रखेंगे, और टोटल करंट का क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इजीली करंट क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर इसी तरह से इस I2 को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे I इंटू आर टी हो जाएगा, और फिर I इंटू आर टी ये टोटल वोल्टेज इनके क्रॉस निकल गया, अब हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा आपका I2 इंटू आर टू होगा, देखिए ध्यान से क्या होगा I2 इंटू आर टू होगा, यहाँ पे हम अब आर टी की टोटल वैल्यू पुट कर दें, क्या हम निकाले थे R1 इंटू आर टू अपान R1 प्लस आर टू इज इक्वल टू I2 इंटू R2, तो यहाँ से अब R2 से R2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि I2 बराबर क्या मिला आपको R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू क्या हो गया आपका I हो गया। इसका मतलब अगर आपको सेकेंड ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रांच के रेसिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, फिर इन दोनों का एड नीचे रखेंगे, फिर टोटल करंट का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा गेट हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है। ईजिली आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ मान लीजिए इस ब्रांच में करंट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे I2, तो यहाँ ध्यान से देखिए R1 को ऊपर करेंगे 5 को, दोनों का एड नीचे करेंगे, फिर टोटल करंट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत आसानी से, तो यहाँ पे होगा क्या 10/3, तो कितना आया 3.33 आ गया ना 3.33। आप इस तरह से फार्मूले से भी निकाल लिए कि 3.33 एम्पियर करंट जो है हमको मिल गया, इस फार्मूले से भी निकाल लिए। अब चाहें तो हम 10 में से क्या करें या 6.66 को हम माइनस कर दें तब भी हमें वही आंसर फाइंड होगा जो यहाँ पे है, ठीक है ना, तो सेम आंसर हमको क्या होगा फाइंड होगा, देखिए तो कितना होगा यहाँ पे 4 4, और यहाँ पे कितना होगा 3 3.44, इस तरह से हमें करंट यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे 6.66 है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे ले रहा है ना, यहाँ पे 6.6 से अगर हम 20/3 लें तब हमें वही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है, 20/3 लेके देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10 - 20/3, तो 20/3 करिए तो कितना होगा 30, देखिए यहाँ पे क्या आया 10/3 आ गया ना, यही 10/3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 6.66 ले रहे हैं ना, इसका परफेक्ट वैल्यू तो हम ले नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ 4 4 का क्या आ जा रहा है डिफरेंस आ जा रहा है। अगर हम फ्रैक्शन ही उठा के रखें तो हमें सेम चीज़ें मिलेंगी, चाहे फार्मूला से निकालिए, चाहे एक ब्रांच में निकालने के बाद दूसरे ब्रांच में अगर निकालना है तो टोटल में से एक ब्रांच के करंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें सेकेंड ब्रांच में फ्लोइंग करंट हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका प्रूफ हमने आपके सामने ही दिखा दिया, विथ एग्जाम्पल हमने समझा दिया करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि आपने इस
वेरिफिकेशन को नहीं देखा, डायरेक्ट सुना, आपने फार्मूला सुना भी है, देख भी लिया और डायरेक्ट इनको याद कर लिया, रट लिया, हो गया काम। तो ऐसे में अगर मान लीजिए इस ब्रांच बढ़ जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हमें 2 ही ब्रांच का हमने पढ़ा था फार्मूला और ये 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूशन कब आ गया, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए वेरिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका तरीका बस यही है ब्रांच कितना हो सोर्स के क्रॉस टोटल टोटल वोल्टेज हम निकाल लेंगे और फिर पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच का वोल्टेज निकाल के इक्वल कर देंगे, तो हमें आसानी से करंट का मान फाइंड हो जाएगा। हम आपको अब दिखाते हैं कि अगर 3 ब्रांच है तब हम कैसे टोटल करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं कि जब 3 ब्रांच का है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ब्रांच लगा दिया, ये R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ पे टोटल करंट I फ्लो हो रही है, इसमें I1, I2, I3 फ्लो हो रही है। तो इसको आप कैसे डिराइव करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा जानने वाला है। बस कुछ नहीं आपको करना है, इस टोटल सोर्स के क्रॉस कितना वोल्टेज है ये निकालना है और एक रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है बस। तो यहाँ पे करंट, टोटल करंट तो मालूम है, अब हमको टोटल रेसिस्टेंस मालूम हुआ तभी ना हमको टोटल वोल्टेज यहाँ फाइंड आउट होगा। तो हमें टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, टोटल रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस RT को ईजिली क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से RT आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनको हम R1, R2, R3 हो जाएगा, यहाँ पे R1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2, R3, और फिर R2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, R1, R3, और फिर R3 को R3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, R1, R2। तो फिर अगर RT आप निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, R1, R2, R3 / R1, R3 + R1, R2। इस तरह से टोटल रेसिस्टेंस आपको RT यहाँ से आसानी से फाइंड आउट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस और फिर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, अब RT की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर दें तो क्या होगा, R1, R2, R3 + R1, R2, R2, R3 + R3, R1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, I1 × R1। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, R1 से R1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपको I1 होगा वो क्या होगा, R2 × R3 + R2 × R3 × R1 × आपका टोटल करंट आई। इस प्रकार से आपने क्या देखा, जब आप डेरिफिकेशन समझेंगे तो कितना हो लंबा क्वेश्चन होगा, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन I1, I2, R3 इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप इस तरह का फार्मूला प्रयोग करके आप 3 ब्रांच में क्या कर सकते हैं, आसानी से करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यूज सेकंड का ही होता है, मान लीजिए इसी तरह से अगर 4 का हो जाए, 5 का हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको प्रैक्टिस करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको क्या बताया, करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बताएंगे आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज को कैसे इस तरह से रेसिस्टेंस के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका प्रयोग कम होता है लेकिन उसको भी जानना आपको क्या है, ज़रूरी है। लेकिन ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सर्किट सॉल्व जब करेंगे तो हमें इसका यूज होगा, आप देखिएगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से ज़रूर समझिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पर, ये रिमूव करते हैं इसको। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन,
Now we will study about voltage distribution in any circuit. Suppose that this type of circuit has been given here. We have to find the value of V1. Total voltage of V has been given here. यहाँ टोटल वोल्टेज भी दिया गया है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी टू है, तो हमें भी वन को फाइंड करना है, यानी कि इस टोटल वोल्टेज को इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो आई बराबर क्या होता है आपका, वी अपन आर। टोटल वोल्टेज भी है और टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस R2। ये हो गया आपका क्या, टोटल करंट निकल गया। और हमें निकालना क्या है, V1 निकालना है। तो V1 बराबर होगा क्या, I इंटू R1। तो I की वैल्यू क्या है, V अपान R1 प्लस R2 इंटू R1, यानी कि आप कर सकते हैं R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, इस प्रकार से आपको V1 का डेरिवेशन मिल गया कि कैसे आपको निकालना है। यह करंट डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है उसी रेसिस्टेंस को ऊपर पुट करते हैं, फिर इन दोनों का एडिशन नीचे पुट करते हैं, फिर टोटल वोल्टेज का हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमें V1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 50 वोल्ट है और यहाँ पे रेसिस्टेंस है आपका 20 ओम और एक रेसिस्टेंस है आपका कितना, 5 ओम। तो अब हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें बताना है यहाँ V1 कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं V1 निकालने के लिए। इसके क्रॉस निकालना है तो इसको ऊपर रख देंगे, दोनों का एडिशन नीचे रख देंगे और फिर टोटल वोल्टेज का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से V1 मिल गया। V2 आपको निकालना हो तो आप सीधे 40 को माइनस कर दीजिए 50 में, तो V2 आपका 10 वोल्ट ऐसे ही हो गया। बट फार्मूला से निकालना है तो जिसके क्रॉस निकालना है इसको ऊपर और दोनों का एडिशन नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 वोल्ट। इस प्रकार से V2 फार्मूले से भी निकल गया। और आप चाहें तो अगर V2 को निकालना है तो यहाँ पे आपको मिल गया कितना, 40 वोल्ट यहाँ मिल गया, 50 में 40 वोल्ट यहाँ यूज हो गया, तो 50 में से आप 40 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 वोल्ट। इस प्रकार से चाहें तो फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट जब एक मिल गया तो दूसरा सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार दो रेसिस्टेंस के एलिमेंट के क्रॉस किस तरह से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाई फार्मूला हम यहाँ पे समझ गए। अगर यहाँ पे दो रेसिस्टेंस के अलावा अगर 3 रेसिस्टेंस हो जाए तो फिर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको अब हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, 3 एलिमेंट रख दिया, R1, R2, R3 और यहाँ पे वोल्टेज दे दिया V। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, तब यहाँ पे हमें 3 तरह का वोल्टेज मिलेगा, V1, V2, V3। इस तरह से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम इसको फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए टोटल करंट I निकाल लीजिए तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका, V अपन R। R सर्किट में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से टोटल करंट I आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, V1 अगर निकालना है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। तो I की वैल्यू क्या आया, V अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या होगा आपका, I की वैल्यू पुट कर दिए, R1 हो गया। ये R1 को ऊपर रखिए, फिर नीचे इन दोनों तीनों को ऐड करिए, समेशन निकालिए और फिर इसमें आप क्या कर दीजिए, V का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार आपने क्या देखा कि V1 को भी इजीली एक रेसिस्टेंस के क्रॉस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको V2 निकालना हो तो ठीक इसी तरह से हम फाइंड करेंगे, V2 बराबर I इंटू R2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, V अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2, या कह सकते हैं R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या होगा, V। इस प्रकार से V2 निकल गया। अब V3 अगर आपको फाइंड करना है तो चाहे आप फार्मूला लगा लीजिए, चाहे दोनों को ऐड करके
फाइनली वोल्टेज से निकाल लीजिए। तो यहाँ से I बराबर I की वैल्यू क्या है, V अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा R3, तो R3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा V। इस प्रकार से चाहे फार्मूले से निकालिए या V3 बराबर आपको निकालना है तो V में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से V3 ऐसे भी निकल जाएगा और इस फार्मूले का यूज करके भी आप V3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार तीन रेसिस्टेंस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब इस पर हम जब सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सारे फार्मूले को वहाँ पे हम यूज करेंगे। जब फार्मूला यूज करेंगे तो वो सर्किट का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको करेंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये किस प्रकार से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।